आदिवासी अंचल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही की बधान व्यवस्था, हॉस्पिटल बना रेफर सेंटर, आमजन परेशान, जाने कब लेगा प्रशासन संज्ञान। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव करोड़ों रुपए की योजना बनाकर आमजन के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कितना भी जोर दे, वहीं जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी आदिवासी अंचल के दूरस्थ इकलौते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही के बधान व्यवस्था की तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में लचर और बधान व्यवस्था के कारण आदिवासी अंचल के लोगों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में महिला प्रसूति चिकित्सक नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को बिलासपुर, रायपुर रेफर कर दिया जाता है। मरीज के परिजन मरीज के इलाज के खातिर जमीन और गहना को गिरवी रख कर इलाज करवाने को मजबूर है। सामुदायिक स्वास्थ्य मरवाही में महिला प्रसूति चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, महिला गायनेकोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट नहीं है। दुर्घटना के आपातकालीन स्थिति में बाहर रेफर कर दिया जाता है। आमजन बहुत परेशान है, जिससे कारण स्थानीय ग्रामीणों में काफी रोष है। गौरतलब है कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र के दिशा और दशा को बदलने के लिए मरवाही उपचुनाव 2020 के रण में कूद कर तत्कालीन डीएमओ डॉक्टर के ध्रुव को कांग्रेस से प्रचंड वोटों से जीत कर मरवाही क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विस्तार करने का दावा किया जाता रहा है। बीते माह मरवाही अल्प प्रवास पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही के निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों के शिकायत के बाद जल्द स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने की बात कही थी। अब देखने वाली बात यह होगी, शासन प्रशासन द्वारा आदिवासी अंचल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही के लचर और बधान व्यवस्था की तस्वीरें कब तक बदल पाती है, यह देखना सुनिश्चित होगा। हमारे यहाँ मरवाही हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टर नहीं है भैया। जैसे हम गर्भवती महिला लेके आते हैं तो उनके लिए ना, जैसे मैडम नहीं है तो सर से जांच करवाने के लिए वो करते हैं, तो भटकते रहते हैं। अब सर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं बता पाते हैं, महिला डॉक्टर रहती तो अच्छे से बताते। तो हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं कि महिला डॉक्टर रहे, गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे से जांच होना चाहिए और दांत वाले डॉक्टर भी होनी चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में सभी प्रकार के मतलब डॉक्टर रहे, तो इतने दूर दराज से आते हैं मरीज, वो भटकते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है और बिलासपुर, रायपुर यहाँ से रेफर करते हैं। तो यहाँ से रेफर ना हो करके हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर उपस्थित मतलब रहे। बारे में बताएंगे दीदी? सर यहाँ जैसे गर्भवती महिला को हम लोग लेके आते हैं तो यहाँ लेडीज डॉक्टर की सुविधा नहीं है और दूर दराज से लेके आते हैं। आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादातर भी कुछ होता है तो रायपुर बिलासपुर रेफर कर देते हैं। गरीब महिलाएं जो आती हैं उसके पास नहीं रहता सर, कोई खेत गहना रखता है, कोई और कुछ करता है, तो दूर दराज जाने में असुविधा होती है। इसीलिए हम लोग को यहाँ एक महिला डॉक्टर की ज़रूरत है और दांत वाले डॉक्टर की। जनता से जो शिकायत मिली है उसके अनुसार यहाँ पर अस्थि रोग, शिशु रोग और महिला रोग विशेषज्ञ नहीं हैं, जिसके कारण यह एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही। और यहाँ पे प्रसव कराने के लिए गर्भवती माताओं को रेफर कर दिया जाता है गौरेला, बिलासपुर, और जाके वो लोग प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, जिससे अपने ज़मीन जायदाद को बेच करके वहाँ पर वो प्रसव करा करके और घर को वापस आते हैं। और इस तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से मरवाही आदिवासी विकासखंड का स्थिति बहुत ही बदहाल है। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं मांग करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र का यह दूरांचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहां पर सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना किया जाए। दयनीय व्यवस्था है यहाँ पर। जिला बनने के बाद एक बहुत बड़ा उम्मीद था कि मरवाही में जो है जिला अस्पताल दिया जाएगा, लेकिन शासन प्रशासन की जो मंशा है उसके हिसाब से देखा जाए कि मरवाही का केवल एक पुछल्ले के हिसाब से जो है जोड़ दिया गया है। और हॉस्पिटल की तो ये स्थिति है, ना ही यहाँ कोई अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, ना महिला रोग विशेषज्ञ हैं, ना ही कोई शिशु रोग विशेषज्ञ है, जिसकी बहुत ही आवश्यकता है।
लेकिन यहाँ केवल एक रिफर सेंटर, जैसी लाए हाँ रिफर कर दिए, तुरंत कागज़ बना दिए, वही आप जाइए। अब ये स्थिति होता है कि क्या करें, वो वैसी स्थिति में वो बहुत ही एक उम्मीद और आशा लेके आते हैं कि वहाँ जाने से, मरवाही हॉस्पिटल जाने से हमारा एक इलाज होगा, लेकिन इलाज तो कुछ भी नहीं होता, बस एक रिफर कागज़ दे दिया जाता है कि आप जाइए करके। अब वैसी स्थिति में अचानक जो है वो कहीं सोच नहीं पाते हम क्या करें, अंत में जो है कहीं ज़मीन गहने रखेंगे, कहीं अपने आभूषण वगैरह बेचेंगे, ये स्थिति हो गई है। और प्रसव की भी स्थिति ऐसी है कि प्रसव की भी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, ऑपरेशन के लिए भी बाहर भेज दिया जाता है, जबकि कई बार तो ऐसा हुआ है ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है और रास्ते में ही जो है प्रसव हो जाता है। ये स्थिति है हॉस्पिटल की, जबकि बहुत ही उम्मीद के साथ क्षेत्र की जनता ने एक डॉक्टर को विधायक चुना था कि हॉस्पिटल की स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन पहले से भी और बदहाल स्थिति हो गई हॉस्पिटल। यहाँ पे महिला चिकित्सक और डेंटिस्ट और शिशु रोग विशेषज्ञ की काफ़ी लंबे समय से मांग है यहाँ की जनता के द्वारा, और इसको हमने शासन स्तर पर सीएमएचओ साहब, कलेक्टर मैडम और राज्य शासन स्तर पर हमने पत्र के माध्यम से जानकारी भी दिया है, और शासन की जैसे व्यवस्था होती है जल्द से जल्द डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे, आश्वासन मिला है। और महिला चिकित्सक काफ़ी समय से नहीं है, तो यहाँ की महिलाओं को समस्या का समाधान जिला भेज के किया जा रहा है, और जल्द से जल्द महिला चिकित्सक आने से यहाँ की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी।